फाइनली जाकर सब कुछ सेटअप किया। ये है माइक, ये फ़ोन होल्डर, ये यहाँ से टाइट किया। ऑल थैंक्स टू निमोन भाई द मैकेनिकल इंजीनियर। ये है मेरी बाइक होंडा हाइनेस, ऐसी दिखती है। उन्होंने कहा शिट गाड़ी आई, चलानी पड़ेगी बाइक। बाय द वे द फैक्ट कि मैं ये सब कुछ मोबाइल से पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस काइंड ऑफ इनसेन। अमन इज फाइनली बैक। चलो 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 अब दौड़ो। यहाँ से है वो रास्ता है, चले कितना मुश्किल है। चलो तो आज हम सीक्रेट रास्ते से जा रहे हैं। ओके, ये कोई नया ही रास्ता है, मुझे तो पता भी नहीं है इस रास्ते का। ये मोस्ट डेडलीस्ट रास्ता है। अच्छा, मोस्ट डेडलीस्ट। वाह यार क्या मौसम है, वाह 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 वाह। ये तो इतना सा ब्लॉग भी बड़ा है पता है। वो ये तो कहाँ ले आया तू, ए ला ए ला। गोबर पड़ा, टायर फिसलेगा। इला यहाँ से गिरे तो फोन फोन स्टैंड स्टूड आज ही टूट जाएगा सब कुछ। यहाँ से गिरे तो बाइक उठेगी कैसे फिर, चार पांच बंदे लगेंगे उठाने में। चलिए तो फिर भी सेफ है, सोच ऐसे ऐसे रास्ते उधर आते हैं तीसरा दूसरा में। वहाँ भी वहाँ तो गिरे तो मिलेगा ही नहीं बंदा काफी से। अभी और डेंजरस है आगे। ओह ये तो गन पहला ही गियर है, ये रास्ता भैया। हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दियो। चल मेरी आइनस, शाबाश, वेरी गुड। काफी डेंजरस रास्ता था ना, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे पता। करो मत ना, साफ करोगे तो हम मरेंगे तुमको। कौन है रास्ता, एक रास्ता है ओके। माय पार्टनर इज डाउन, नहीं मैं ही चढ़ा लूँगा भाई, यहाँ से चढ़ानी पड़ेगी ना, यहाँ से। अब ओए होए होए, ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस है वैसे पता है। हाँ से अगर मोड़ तक के मैं तो आराम से चल रहा हूँ, वो डर लग रहा है। चल 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 बस कोरो गई, खींच खींच। एक और आया डेंजरस रास्ता, वैसे मौसम भी खराब है, गलत दिन चूज किया। कोई बात नहीं, ठीक है। ओ बहन चौध कंडा चुभ यार। उतर उतर, कुछ है यार टायर के नीचे कुछ भी। हाँ बस ही है थोड़ा। हाँ ये हिस्ट्री, बंदा क्या मुड़ गया ना मैं देख के, इसे क्या हुआ, ब्लॉग में नहीं आऊँगा। चलो 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 चलो, ओके गुड गुड, कम ऑन कम ऑन, बस 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 बस, सीधा ही है उतर। ओके मेरा फाइनल टेस्ट। हाँ यहाँ से लगेगा डर। चलो 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 चलो, ये हमने बहुत खतरनाक शॉर्टकट मारा। यहाँ बंदों के जो घर है नमन, वो जो बंदों के घर हैं वो तो रोज ही लाते होंगे अपनी स्कूटियाँ ना इधर से, उनके लिए तो बच्चों का खेल होगा। एडवेंचरस बोल रहे हैं क्या आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा, तो अभी
अभी जो प्लान है वो है हमारा मनसा माता को जाने का। मनसा नहीं, कौन सा मंदिर है, बासा का मंदिर, शिव जी जी का। हाँ, बारिश नहीं लगी तो, अगर बारिश नहीं लगी तो हम टल माता भी जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं लगी तो हम उधर भी जाएंगे। एक पुराना किला है यहाँ का। मेन रीज़न इस चैनल को बनाने की यही है, मेरे को यहाँ के गुप्त एरियाज दिखाने हैं, कोई भी नहीं दिखाता जो कि। तो ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और अच्छी एक मन की वो भी है। तो अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है, ये था वो था, ये इसने बनाया था, ये उसने बनाया था। तो अब मौका मिल जाएगा बताने का खुद ही आप सबको, मतलब अगर एक को बताया जा सकता तो 100 को बताया जा सकता है, और YouTube पावर देता कि तुम एक ही बारी में करोड़ों को बता सको। अब बस बारिश होने वाली है तो आई थिंक हम बासा मंदिर ही जा पाएंगे, और ज़्यादा आगे जा नहीं पाएंगे, पर प्लान तो आगे जाने का। ऐसे खुशी सी हो रही है देख के, छोटे छोटे बच्चे वो हो रहे हैं एक्साइटेड फ़ोन को देख कर। ये यहाँ का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय। ऐसे लग रहा है कि आज का दिन भगवान ने मेरे लिए ही सिलेक्ट किया था कि आओ बच्चों ब्लॉग बनाओ। अच्छी बात है मेरा फ़ोन भी वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ये मेरे घर से बस 15 मिनट दूर है जगह, पता है यार, त्याग से बहुत सारी थी। तुझे कैसे दिख गई, तुझे कैसे दिखी नमन, तुझे कैसे दिखी कि बस आज की सिंगल लेन रोड है दोस्तों, अब हम यहाँ पे स्टंट मार कर जाएंगे। यहाँ से ना दोस्तों लेफ्ट वाली साइड जो मेरे ये वाले एरिया की जगह है ना, यहाँ तुम किसी भी गली से चले जाओ ना तुम मेरे गांव को पहुँच जाओगे, क्योंकि इस तरफ सारा द्रमण और शाहपुर वाला एरिया जहाँ मैं रहता हूँ। तो पहाड़ों का यही है कि हर जगह से तुम्हें लिंक रोड मिल जाएगा, और तुम चाहो तो अपने रास्ते बना सकते। मीठी मीठी बारिश भी लग चुकी है, ये रास्ते थोड़े ज़्यादा ही भीड़े हैं, बस ये इश्यू है, ज़्यादा ही टाइट हैं, पर चलो यहाँ इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती है। पंजाबी है यहाँ बड़े घुसते हैं, पर ये देखो कैसे आया ट्रक वाला, ही डज नॉट केयर कि कौन आ रहा है कैसे आ रहा है, इतना बड़ा मोड़ काट के, कोई हॉर्न नहीं कुछ नहीं। ये चीज़ गलत होती है यार थोड़ी सी। ये एरिया मेरे लिए बहुत यादगार है, क्योंकि पता क्या हुआ था, स्टोरी टाइम हो जाए छोटा सा, मैं अपनी लाइफ के वन ऑफ द लोएस्ट स्टेजेस में चला था, लॉकडाउन का टाइम था, बाहर जाने को टाइम था, तो मैं सुबह 6 बजे यहाँ से पैदल जाया करता था कहाँ तक, जहाँ पर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ मंदिर में, और वहाँ जाकर मैं मत्था टेका करता था डेली। एक दिन ऐसा ही मौसम था, इसी टाइम की बात है, 2021 की बात है ये, तब मैं गेमिंग वाले चैनल पर बहुत वीडियोज डालता था। तो यहाँ पर जब मैं निकला तो एक दिन ऐसा ही मौसम था, शाम का टाइम था, और मैंने ऐसी फुलबाजी की, वो पहनी थी टी शर्ट जो भी है, एंड बारिश लगी, और मैं ना घर में उस टाइम बिंज वॉच करता था बाइकिंग्स का टीवी शो, तो उसमें ओडिन को देख कर ना मुझे कुछ मतलब ऐसे ना बड़ी अट्रैक्शन दी हो गई थी कि ओडिन गॉड ऐसे वैसे, इसमें बड़ा मेंशन है ना। अपनी लाइफ में भी मैं सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा था कि मैं भी ओडिन का भक्त हूँ, तो मेरे को कौए दिखते थे तो ना मेरे दिमाग में ऐसे थॉट स्ट्राइक होती थी बार बार कि ये ओडिन का है, खांसी भी आती थी। तब मैं ना यहाँ से शॉर्टकट मारा करता था, बताता हूँ तो मैं यहाँ से इधर से, और एक ही शॉर्टकट भी है, यहाँ शॉर्टकट से जाया करता था। तो यहाँ पर पहुँचा और बहुत तेज़ बारिश लगी, कपड़े चुड़ रहे थे मेरे, एब्स भी थे तब, लोग बड़ी हाइट थी तो एब्स भी दिख रहे थे, और गैस बट मैं क्या बोल रहा था, ओडिन थैंक यू ओडिन, ग्लोरी टू वल्हल्ला। और बेसिकली मैं इंद्रदेव की पूजा कर रहा था उस वक्त, पूजा कहना तो ग्रेटफुल हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम होता है यार यहाँ का, उस वक्त भी बहुत प्यारा था। मोंकी से बात करता हुआ मेरा मोंकी दोस्त, उस वक्त यहाँ पर मतलब बहुत मौज मस्ती वाली फील आती थी ऐसी मौसम को देखकर, और जब बारिश लगी ना असली मज़ा तो उसी वक्त आया यार, टू बी ऑनेस्ट, और क्या ही फील थी यार वो, अभी भी वो दिन याद आ रहा है। बहुत तेज़ वाली बारिश लगी थी, फ़ोन में लेके जाता नहीं था, एयरफोन लेके जाता नहीं था, डोपामाइन डिटॉक्स पे था ख़तरनाक वाले, तो मैं बस पेड़ पत्तों से ये बात कर रहा था, लाइक लिटरली कृष मूवी में वो दिखाया ना कृष्णा, मैं वैसा था डिटो। और मैं बोल रहा था ग्लोरी टू ओडिन, अब तो हंसी आती सोच के कि मैं ओडिन की तारीफें कर रहा था, और करनी मुझे इंद्रदेव की चाहिए थी। कोई बात नहीं, होता है, मूवीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है, वेब सीरीज का फर्क पड़ता है। सो दिस इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर टू रिमाइंड यू ऑल कि मेक श्योर आप गंदा कॉन्टेंट ना देखें अपनी लाइफ में। ये बैठने को बहुत प्यारी जगह है,
वी कैन सिट हियर इफ वी वांट, आती बारी देखेंगे अगर बैठने का समय मिला। अभी तो बारिश का डर है ना, तो अभी खींच रहे हैं फटाफट से। बट द फैक्ट कि ये मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी है, मतलब मेरे को पैदल आना तो 25 मिनट लगते हैं, मैं यहाँ पैदल आ सकता हूँ। मैं आता था डोली जैसे मैंने बताया, बड़ा ग्रेटफुल फील होता है। मुझे नहीं लगता अगर पैसा वैसा नहीं भी आया जीवन में तो क्या हुआ। ये तो है ना, ये पहाड़ ये वादियाँ ये कहीं नहीं मिलेंगी मुझे। और एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ। आई लव दिस प्लेस मैन। यहाँ पर प्राचीन मंदिर छोटा सा, पता नहीं किसका है। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। आई लव दिस एरिया मैन, क्या व्यू है, लाइक वाह 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 वाह। आज तो ऐसे था कि सोने पर सुहागा ही हो गया। आने पर धूप आ सकती थी, बारिश भी हो सकती थी, पर भगवान ने मेरे लिए बिल्कुल ना एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट चूज़ किया है। ना बारिश है ना धूप है, मीठा मीठा मौसम है यार, क्या ही मौसम है, वाह। मैं ज़रा नशे नहीं करता ना, अगर नशे करता था तो मैं अभी नशे करने बैठ जाता यहाँ पर पहाड़ों से। एक और एटमॉस्फेरिक चीज़ आई, वाह यार क्या ही एटमॉस्फेयर हो रहा है इधर, ना धूप है ना कुछ है, वाह वाह वाह। आज तो ऐसे मतलब लग रहा है भगवान ने पूरा हिमाचल की शो ऑफ कर दी है कि लो लो बच्चों अच्छे से रिकॉर्ड करो, मैं पूरा हिमाचल दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पर कैसे लोग गाय बकरियाँ लेकर चलते हैं। उतर गई उतर गई यार, वो भैंस मेरी तरफ आए जा रही थी। वाओ 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 वाओ, इमेजिन मैं यहाँ पर डेली आता था, जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पर डेली आना क्या ही बात है। वाओ बिजली भी चमक गई, वाह यार। बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन में, बस बहुत एक्साइटमेंट हो रही है पहुँचने की। एक बार पहुँच गए तो देखना फिर मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ यहाँ पर। वाह यार वाह 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 वाह, आज तो तारीफें कर करके दिल खुश हो गया मेरा, अनलिमिटेड तारीफें आज तो भगवान जी के लिए। ओके पहुँच गए, ये पैदल जाने का रास्ता है इस मंदिर तक, और ये घूम के बाइक वाला रास्ता है। यहाँ की स्टोरी है बहुत यूनिक, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले हम बाइक को ऊपर लगा लेते हैं। देखो यार वाह, ऐसे मतलब लग रहा है म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग चली हुई है। सब बारिश लगी। उतरो बैठ जा, चलो। और हम यहाँ से निकलते हुए अब हम जाएंगे मेरे फेवरेट मंदिर में। यहाँ का बहुत प्यारा किस्सा है मेरी लाइफ का, मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। यहाँ पर मैं किया क्या करता था आकर, एक बहुत प्यारी चीज़ किया करता था असली भी, तो तुम्हें अभी आगे दिखेगा, देखो तो मैं दिखाता हूँ फिर। ओके सो हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, अच्छे से वेल मेंटेन्ड मंदिर है, डस्टबिन सब कुछ लगा है इधर। ये देखो ये असली व्यू, एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ, भीगे तो भीगे कोई बात नहीं। ये देखो व्यू, वाओ यहाँ से पूरी कांगड़ा वैली दिखती है, पूरी की पूरी। कांगड़ा का किला भी दिखता है यहाँ से, पता है अभी नहीं दिखेगा पर दिखता है। और ये है मंदिर पूरा का पूरा, बिना मन भी अपनी शूटिंग करता हुआ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मंदिर। यहाँ की कहानी बताऊँ, जो शिवलिंग लगा ना इधर जाकर मैं अपनी डेली की जर्नलिंग करता था, मतलब कागज़ पर लिखने के बजाय मैं यहाँ बोलता था कि आज मैंने ऐसे किया आज वैसे किया, आई होप आप मेरे लिए ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। और मेरे को मतलब एक फील होता था कि कोई मेरे किसी को ना मतलब मैं वो दे रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी रख रहा हूँ किसी के साथ। अंदर शिव जी जी की और उधर शनिदेव जी का मंदिर भी, उधर भी जाया करता था। अभी जाते हैं थोड़ी देर में, अभी तो बारिश लग पड़ी, भी छाँव में रुकते हैं। ये बैठने को जगह हैं, ये वो डस्टबिन वगैरह और पीछे वाटर टैंक्स वगैरह हैं। अच्छा मंदिर है यार काफ़ी। नीचे वाले पत्थर की स्टोरी बताऊंगा तो मैं, वो बैड है असली। तो यहाँ पर हमारी बाइक जो है वो धुल रही है नेचर की वजह से ही, और देखो भाई क्या ही व्यू हो रहा है, लाइक वाह यार वाह। ऐसे लग रहा है पूरा शो ऑफ कर रहे हैं बोर्ड पूरा का पूरा, देखो देखो बच्चों देखो मेरी शक्तियाँ देखो। दो ब्लॉगर ये देखो ब्लॉगिंग साइड ब्लॉग, मैं तो बोल रहा सब ब्लॉग सर हो बंदी के इतनी व्यूज है ना भाई। यस सुंदरता दिखाओ, नेचर की प्यार दिखाओ, है ना। अब लगी बहुत तेज वाली बारिश,
ओके सो बारिश फाइनली रुक चुकी है एंड ये है ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है अभी। अगर एक्सपोजर कम करके दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया देख। तो जैसे कि मैंने बताया था ये थे वो नंदी बैल जी, इनके कान में मैं खुसफुस किया करता था कि मैंने आज ये किया वो कि ऐसे वीडियो डाली और बस इतना बोलता था कि आप जो बेस्ट हो वो। तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इधर आके अभी फिर से। और ये है शनिदेव जी का मंदिर, इनको मैं दिखाऊंगा नहीं, इनको देखना नहीं चाहिए, मिलते हैं आँखों में। और वह सुंदर है काफ़ी ये, और आई थिंक ये भी नंदी गल जी हैं और वो छोटे देवी देवताओं के पुरानी पुरानी मूर्तियाँ उनकी आई थिंक वहाँ पर हैं भोलेनाथ जी। चलो उनको दिखाता हूँ, ये इन्होंने बनाया है, नहीं इनकी समाधि है, ये किसी पुजारी जी की समाधि होगी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देम। ये है बैक का एरिया ऑफ दिस ब्यूटीफुल मंदिर सराउंडेड विद नेचर। ये चील के पेड़ है ना, चील के पेड़ पाइन के ट्रीज हैं ये, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये है पार्वती माता जी का मंदिर, ये हनुमान जी का, एंड ये सरस्वती देवी जी शायद, और ये है भोलेनाथ जी का, यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया करता था। ओके सो लेट अस गो, हमारा मंदिर के दर्शन हो गए। एक बार फिर से तो मैं दिखाता हूँ मंदिर को खतरनाक तरीके से। ये रहा ब्यूटीफुल मंदिर, लास्ट टाइम दर्शन, लास्ट टाइम मतलब आज के लिए, मैं फिर आऊँगा। वो चाबी देना थैंक यू। कीचड़ी कीचड़ जी का है। और ये रहा वो ब्यूटीफुल व्यू, इसको भी गुड बाय बोलो। अब प्लान है एक और ऊंचाई पर मंदिर, अगर यहीं पर ऐसा व्यू था तो उधर तो भाई वारे न्यारे होने वाले हैं। जस्ट इमेजिन यहाँ टायर से सिलेंडर में नीचे चला जाऊँ तो डर लगता है यार मुझे ऊंचाई से, पता नहीं क्यों, आई फियर दैट टू बी ऑनेस्ट। मेरा ज़रा चैनल अच्छा चल रहा है ना तो ज़्यादा डर लगता है मरने से। यहाँ पर ब्रेक नहीं मारनी है, गलती से भी बजी तो गिरे, यहाँ ब्रेक बजी तो गिरे, यहाँ ब्रेक बजी तो गिरे। हाँ 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 चलो 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 ठीक है, गुड वेरी गुड, लेट्स गो। ये बहुत डेंजरस चीज़ है भाई, कभी भी हिमाचल चलाओ और ये दिखें तो तुम्हारा ना दिमाग सतर्क होना चाहिए, अगर इस पर ब्रेक लगी तो गिरे। ओ शिट शिट शिट, बहुत तेज़ हो गई बाइक और ब्रेक लगी तो गिर जाएंगे इस पर। इस सर बड़े आराम आराम से चलना, अभी तो ये गीला है ना फिर भी सेफ है, अगर ये अभी सूखा हुआ होता ना यहाँ पर आराम से चलो भाई। गियर डाल लेता हूँ फर्स्ट, क्लच छोड़ के नहीं चलता हूँ धीरे धीरे से। ओके वहाँ पर है हमारा निमोन दोस्त, तो समझ लो ना मन ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है बैटरी, हाँ, और वो है एक ट्रांसफॉर्मर, उस ट्रांसफॉर्मर को शक्ति यहाँ से मिलती है, समझा, वो देता है पूरी दुनिया को शक्ति पर उसको शक्ति यहाँ से मिलती है। ये है मेन पावर स्रोत, ये मंदिर बनने की रीज़न ये है, ओरिजिनल में सिर्फ ये था। आ जाओ यहाँ जाओ, ये जो पत्थर है ना ये ज़मीन से एकदम ही निकला था आज से 300-400 साल पहले, एकदम ही प्रकट हो गया, तो लोगों ने इसे तोड़ा, जब इसे तोड़ा ना इससे निकला खून, जब खून निकला लोग डर गए कि क्या ये दानव है, चेला है, भूत है, पिशाच है, लोगों ने बुलाया पंडित, पंडित हंसे, बोला क्या कर रहे हो, शिव जी खुद निकल रहे हैं इधर और आप उसको तोड़ रहे हो। तो फिर आज भी इस पे ये रंग लगाते हैं कि खून है ये, उसके नाम पे कि खून है, और इसी को पूजा करते थे। पर ये मंदिर अभी बना कोई 40-30 साल पहले, अब थोड़ी सी दूर रहा मेरा घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, मैं अपना घर तो नहीं दिखा सकता बट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सी एवरीवन, पीस आउट, रुको ढंग से करता हूँ, पीस आउट टू सी एवरीवन, पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट।